दोस्तों 9 दिसंबर को भारत और चीन सैनिकों के बीच हाथापाई हुई अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब। दरअसल कुछ महीने पहले से ही बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स भूटान के बॉर्डर के पास इकट्ठा हो रहे थे और फिर 9 दिसंबर को अचानक से 600 चाइनीज सोल्जर्स, जी हां 600 चाइनीज सोल्जर्स भारत के बॉर्डर के अंदर आकर पेट्रोलिंग करने की कोशिश की। लेकिन हमारे भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार बैठी थी और फिर दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस झड़प में गोलियां नहीं चलाई गई क्योंकि 1996 की इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां नहीं चलाई जाएगी, लेकिन दूसरे हथियार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए चाइनीज सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट के तरह ही अजीबोगरीब हथियार लेकर आई थी, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी क्योंकि इंडियन आर्मी को बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से कैसे निपटना है इसकी ट्रेनिंग उन्हें पहले से मिली हुई है। वैसे दोस्तों, ये चाइना कभी सुधरेगा या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।